जी तो अस्सलाम वालेकुम भाई, लक क्या हाल चाल है? वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो यार आज का सीन ये है, जैसे कि आपको पता गाड़ी ली थी, एक महीना हो गया गाड़ी ली है, तो यार उसकी ट्यूनिंग कराने वाली हुई है। उसकी एवरेज बड़ी गंदी दे रही है, 9.7, 9.8, 8.7, 8.9 इतनी एवरेज दे रही है, काफ़ी गंदी दे रही है। तो अभी जाना जाकर ट्यूनिंग कराते हैं। बाबा बिजी हैं तो मैं चाचू के साथ जाऊंगा ट्यूनिंग कराने। और ट्यूनिंग भी कहीं बाहर से कराते जानने वाले हैं, उनसे कराने, होंडा के शोरूम से नहीं करानी, बाहर से करवानी है, जानने वाले हैं। तो चलें फिर चलते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर दें आप भी साथ साथ रहें। चलें फिर चलते हैं जाकर ट्यूनिंग। तो गाइस गैराज से गाड़ी निकाल के ले आए, देख अभी ये एटीएम रुके हैं, एटीएम मार के फिर चलते हैं। तो गाइस यार हम ये वर्कशॉप पहुंच गए, अब करवाते हैं काम इसका। तो गाइस मैंने कहना था कि मैं आपको ना इसकी ट्यूनिंग से पहले एवरेज दिखाऊं। एवरेज ये बहुत गंदी दे रही है, जब के लिए है ना ये चेक करना। ये देखो 8.8, 8.8, 9.2, 9.9 इतनी देती है एवरेज। तो इसलिए मैं ट्यूनिंग वगैरह करवा देते हैं, बाबा लोग का ट्यूनिंग करवाएं। अब मोबाइल चेंज, एयर फिल्टर वगैरह चेंज होगा, शायद एवरेज में फ़र्क आ जाए। ये हो रहा है काम, चले फिर होता है फिर देखते हैं क्या फ़र्क आता है। गाइस नीचे से आपको मैं गाड़ी की दिखाऊंगा, नीचे से गाड़ी कैसी है ये चेक करो। गाड़ी इसकी नीचे से ना शीट भी टूटी हुई है, तो ये भी देखते हैं, ये भी नहीं डलनी है, नहीं डलवाते हैं या सेट होनी, सेट करवाते हैं। तो गाइस यार गाड़ी हो गई कंप्लीट, फुल ट्यूनिंग हो गई है, बिल्कुल सही हो गई है। अब चलते हैं जाके इसकी वो अलाइनमेंट वगैरह होनी है, अभी व्हील बैलेंसिंग होने वाली है, वो जा कर आते हैं।
तो गाइस यार अभी अलाइनमेंट कराने आए हैं यहाँ पे, गाड़ी की अलाइनमेंट होने वाली है, इलेक्ट्रिक लेजर वाली अलाइनमेंट है। तो गाइस अलाइनमेंट हो गई, अभी टेस्ट ड्राइव लेने की। तो गाइस टेस्ट ड्राइव लेके भी आ गए बिल्कुल सही। चलिए फिर चलते हैं। तो गाइस यार गाड़ी का काम करा के अलाइनमेंट करा के घर वापस आ गए थे, जैसे कि आपने देख लिया है ये गाड़ी खड़ी कर दी घर। और वाशिंग मैंने नहीं कराई, थोड़ी गंदी है क्योंकि कल भी बारिश हुई है, नेरी वगैरह चली, आंधी वगैरह आई है और आगे भी बताया उन्होंने, तो इसलिए वाश नहीं कराई, आगे थोड़े दिनों तक वाश करा लेते हैं। बाकी मैं ना इसकी अभी एवरेज बता दूँ, वैसे तो रास्ते में चेक की थी तो बहुत कम थी एवरेज, क्योंकि अभी चलाई नहीं ना, अभी तो सही तरह चलाई भी नहीं है। आपको मैं दिखा दूँ, ये चेक करना, दो सेकंड लाइट ऑन कर लो। ये देखा अभी 8.1 की बता रही है, क्योंकि अभी वो चलाई नहीं है सही तरह, क्योंकि पास से ही करवाया ना काम, अब थोड़ी चलेगी तो फिर गाड़ी की एवरेज बढ़ जाएगी। बाकी यार मैं यही था छोटा व्लॉग था, व्लॉग को यार लाइक और सब्सक्राइब आपने करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओ डोजरां दे वांगू देखी टप्पे वाजे तू, पटीने खाका साडियां ना देहां पणियां, साडे नाले अड़े घरां चों नहीं लभणी, करीकां विचों लभदियां लाशां गड़ियां, पहला करी दी सलाम इह पक्के आया सूल, जे अड़चे करारी बोलदियां गोलियां, वैर खट जट्टां नाल भजनी होणा असी पित्तल ना कईआं दियां हिक्कां खोलियां, वैर खट जट्टां नाल भजनी होणा असी पित्तल ना कईआं दियां हिक्कां खोलियां, ਬੈਰ ਖੱਟ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਭੱਜਣੀ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਤਲ ਨਾ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਏਡਾ ਡੇਡਾ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅੰਦਾਜ਼ੇ, ਧੁੰਦਲੇ ਜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚ ਫਿਰੇ ਝਾਕਦਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਠਾਂ ਸਿਰ ਟੇਡੀਆਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਜਦਾਂ ਅੱਗ ਰਾਖਦਾ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰੈਕ ਦੱਸਦੇ ਬੰਦੇ ਰੌਂਗ ਪਾਵੇ।